हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाईटेक गियर्स कंपनी के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे हाईटेक गियर कंपनी कब शुरू हुई, कौन है इसके प्रमोटर्स, क्यों इस शेयर्स में आपको निवेश करना चाहिए, कितना प्रॉफिट मिल सकता है अगर आप इसके शेयर्स खरीदते हैं तो, लेकिन किस प्राइस पर खरीदना है, कब खरीदना है, क्यों खरीदना चाहिए, कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या टारगेट है, एनालिस्ट ने क्या रिसर्च की है इस स्टॉक के बारे में, मेरी अपनी क्या राय है इस कंपनी के बारे में, हम आपको सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान पूर्वक सुने, पूरा देखें वीडियो, उसके बाद डिसीजन लें कि आपको निवेश करना चाहिए या नहीं। आप हैं हाईटेक गियर्स कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिससे कि आपको इसकी सटीक जानकारी मिल सके। कंपनी के फाइनेंशियल भी हम आपको बताएंगे, क्वार्टरली और एनुअली क्या प्रॉफिट रहे हैं कंपनी के, आगे कैसा ग्रो कर सकती है कंपनी, रेवेन्यू कैसे हैं, नेटवर्थ में क्या चेंजेस आ रहे हैं क्वार्टरली और एनुअली, पूरा फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। बाद में हम आपको इस कंपनी के शेयर प्राइस टारगेट भी बताएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है या लॉन्ग टर्म, या दोनों के लिए आप इसको खरीद कर रख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हम पहला टॉपिक बताएंगे कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। अपनी स्क्रीन के सामने फ्लैश हो रही इमेजेस को ध्यान से देखिए, कंपनी के बारे में आपको इससे अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी। सोशल कमिटमेंट पर पूरी तरह से कंपनी जो है काम कर रही है, ग्रीन इनिशिएटिव लिया है कंपनी ने, पोल्यूशन फ्री काम कर रही है, अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग है इनकी, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही हैं, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट ऑफरिंग है, क्वालिटी पर खासा ध्यान है कंपनी का, अच्छे परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स हैं। देखिए इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करती है कंपनी, कंप्लीट वैल्यू चेन ओनरशिप है इनके पास, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी हम आपको बताएंगे, कनेक्ट टू एक्सप्लोर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी ज्वाइनर्स, इस कंपनी में करियर बनाने के लिए भी आप इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। विश्व के कई देशों के साथ कारोबार कर रही है कंपनी, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। तो ये थी कंपनी के बारे में एक शॉर्ट जानकारी। अब डिटेल में हम कंपनी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। द हाईटेक ग्रुप के बारे में पहले आप जान लीजिए कि हाईटेक ग्रुप है क्या। द हाईटेक ग्रुप स्पैन्स स्पेक्ट्रम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इंक्लूड ट्रांसमिशन एंड इंजिन कंपोनेंट्स, ड्राइव लाइन कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस एट द फोरफ्रंट ऑफ कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विजन एंड एम्बेडेड सिस्टम। द ग्रुप प्राइमरली सर्व्स टू ग्लोबल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एंड रिनाउंड टीयर वन एंड टू सप्लायर्स। फ्रेंड्स, आने वाला जो समय है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। ऐसी कार्स या ऐसे व्हीकल्स बनाए जा रहे हैं जिसमें ड्राइवर की जरूरत ना हो, ये व्हीकल्स सेंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, बिकॉज इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं और ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स हैं, इंजन जो है, ऐसे प्रोडक्ट्स हाईटेक ग्रुप बनाती है, और ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। द हाईटेक रोबोटिक सिस्टम, द हाईटेक रोबोटिक सिस्टम लिमिटेड HRS इज ए रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी इंगेज्ड इन डेवलपिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज टू ब्रिंग इफेक्टिव एंड इफिशियंट रोबोटिक्स फॉर मास यूटिलिटी। HRS ऑल्सो हेल्प्स डेवलप टेक्नोलॉजीज दैट कैन ब्रिंग एडवांस्ड लेवल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेस ऑलरेडी इन यूज। तो हाईटेक रोबोटिक सिस्टम जो है, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली कंपनी है ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं और सर्विसेज भी ऑफर करती हैं। तो ये थी कंपनी की जानकारी। कंपनी की कैपेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे, कंपनी में क्या कैपेबिलिटीज है जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी इस कंपटीशन में सरवाइव कर सकती है या नहीं।
डूइंग बिजनेस विद द हाई टेक गियर्स, कंप्लीट वैल्यू चेन ओनरशिप स्टार्ट्स विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू सप्लाई ऑफ हाई प्रिसीजन प्रोडक्ट्स एंड मॉडल्स. ड्यूरिंग 3 डिकेड्स लॉन्ग प्रेजेंस इन द इंडस्ट्री, वी हैव एस्टेब्लिश्ड आवर सेल्व्स एज अ मोबिलिटी सोल्यूशन प्रोवाइडर विद एन एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अंडर वन रूफ. तो अंडर वन रूफ ये कई सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, जैसे एंड टू एंड मोबिलिटी सोल्यूशन, डिजाइन कैपेबिलिटीज, ये सब चीज़ें इन पे. कंपनी क्या ऑफर करती है ये भी हम आपको बताना चाहेंगे. देखिए कंपनी की ऑफरिंग हम आपको बताना चाहेंगे. इस तरह के टू व्हीलर्स ट्रांसमिशन तैयार करती है कंपनी. टू व्हीलर्स के लिए ट्रांसमिशन तैयार करती है. लाइट व्हीकल्स के लिए ट्रांसमिशन, ड्राइव लाइन, स्टीयरिंग लिंकेज प्रोवाइड करती है कंपनी. ये देखिए टू व्हीलर्स के लिए ट्रांसमिशन तैयार करती है और प्रोडक्ट आपके स्क्रीन के सामने है. ट्रांसमिशन गियर शाफ्ट्स बनाती है कंपनी. लाइट व्हीकल्स के लिए क्या बनाती है, ट्रांसमिशन बनाते हैं. देखिए लाइट व्हीकल्स है और इसके लिए कंपनी बनाते हैं ट्रांसमिशन, ड्राइव लाइन और स्टीयरिंग लिंकेज बनाती है कंपनी. इसके प्रोडक्ट्स आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं. कमर्शियल व्हीकल्स के लिए बनाती है कंपनी इंजन. तो इंजन के पिक्चर आपके स्क्रीन के सामने हैं. और ट्रांसमिशन प्रोडक्ट्स तैयार करती है, देखिए ट्रांसमिशन गियर एंड शाफ्ट्स, इसके पिक्चर आपके स्क्रीन के सामने हैं. और पावर टेक ऑफ बनाती है कंपनी, ये देखिए इस तरह के पावर टेक ऑफ बनाती है कंपनी. ऑफ हाईवेज के लिए भी इंजन बनाती है कंपनी, ये देखिए इंजन पिक्चर आपके स्क्रीन के सामने है. ट्रांसमिशन सिस्टम बनाती है, ट्रांसमिशन गियर एंड शाफ्ट्स बनाती है कंपनी. और पावर टेक ऑफ भी बनाती है, ये देखिए इस तरह से पावर टेक ऑफ बनाती है. इंजन इंजन गियर्स तैयार करती है कंपनी, पिक्चर आपके स्क्रीन के सामने है. सप्लायर्स बताना चाहेंगे कंपनी के कौन कौन से सप्लायर्स हैं. पार्टनर्स टू बिकम अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन, डूइंग बिजनेस विद द हाईटेक गियर्स. तो ये थी कंपनी के बारे में जानकारी. चलिए इसके स्टॉक प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. हाईटेक गियर्स करेंट मार्केट प्राइस है शेयर की 195 रुपीज 15 पैसे, 0.96% की गिरावट स्टॉक में हो चुकी है. ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनी है, 1 वीक में 1.19% की गिरावट, 1 मंथ में 8.33% का रिटर्न दिया है, शानदार रिटर्न है. 1 ईयर में 44.72% तक गिर चुका है. 3 ईयर्स में 9.57% तक की तेजी दिखा चुका है ये स्टॉक. 5 ईयर्स में 47.58% की गिरावट है और ऑल अराउंड इसने 693.29% का रिटर्न दिया है. तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है. टेक्निकल चार्ट हम आपको दिखाकर बताएंगे कि इसमें खरीदारी के क्या मौके हैं, क्या ये शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है. देखिए अभी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है 50 MA का, तो आप इसमें जो है शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते हैं. और 200 MA के नीचे ट्रेडिंग हो रही है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंटर ना करें. स्टॉक की परफॉर्मेंस बताना चाहेंगे. 52 वीक लो 155.10 है, 52 वीक हाई 365.95 है. तो 52 वीक हाई से इसमें बड़ी गिरावट हो चुकी है, इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं. वॉल्यूम 2871 का है, 0.06 करोड़ की ट्रेडिंग हो चुकी है. स्मॉल कैप का स्टॉक है, वॉल्यूम कम है. फंडामेंटल्स देखेंगे, 370 करोड़ की कंपनी है. पी रेशो बहुत ही कम है, 13.88. पीबी रेशो 1.12 है. इंडस्ट्री पी 45.28 है, अपने इंडस्ट्री पी से लोअर पी पर ट्रेड कर रहा है. डेट टू इक्विटी 1.42 है, कंपनी पर भारी भरकम कर्ज है. रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव, ईपीएस नेगेटिव. डिविडेंड यील्ड 1.01% की है. बुक वैल्यू 176.23, फेस वैल्यू 10 रुपीज की है. तो रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव, ईपीएस नेगेटिव है, कंपनी पर भारी कर्ज है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही नाजुक हैं. फाइनेंशियल बताएंगे, काफ़ी वोलाटाइल है इनके रेवेन्यूज, लेकिन एक ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में क्वार्टरली बेसिस पर.
प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव हो गए हैं, जो कि अच्छा है स्टॉक के लिए इस क्वार्टर में। नेटवर्थ देखिए, नेटवर्थ में कॉन्स्टेंटली इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं। ईयरली टाइम फ्रेम पर देखिए, नेटवर्थ हर साल बढ़ रही है। प्रॉफिट में काफ़ी वोलाटाइल है, और करंट ईयर में इनको लॉस हुआ है, नेगेटिव प्रॉफिट दिखा रहे हैं। और रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है 3 सालों में, तो फाइनेंशियल बहुत अच्छे नहीं है कंपनी के। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हाईटेक गियर्स लिमिटेड के नाम से, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री प्रणव कपूरिया हैं। कंपनी स्थापित हुई 1986 में एनएसई सिंबल हाईटेक गियर के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 56.22% की होल्डिंग, रिटेल एनदर्स के पास 43.77% की होल्डिंग, और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास 0.01% की होल्डिंग है। कंपनी में क्या इवेंट्स हो रही हैं, क्या न्यूज है जो आपके लिए जानना चाहिए? बोर्ड मीटिंग 30 मई 2022 को हो चुकी है। डिविडेंड दिया है कंपनी ने, अनाउंस कर दिया है डिविडेंड, 1.5 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड दे रही है कंपनी। इसका अनाउंसमेंट 30 मई 2022 को हो चुका है। क्या न्यूज है स्टॉक के बारे में? द हाईटेक गियर्स लिमिटेड पोस्ट कंसोलिडेटेड Q2 FY22 लॉस ऑफ ₹2.73 करोड़ का लॉस हुआ है कंपनी के लिए, जो कि कंपनी के लिए एक बुरी खबर है। क्या सलाह देते हैं टेक्निकल्स? तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है इसको सेल कर सकते हैं, स्टॉक बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक अच्छा अप मूव दिखा सकता है, तो शॉर्ट टर्म बायर्स ट्रेडर्स में खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन स्टॉक के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ना करें। तो ये थी स्टॉक के बारे में जानकारी। आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं कि बाई, सेल या होल्ड करें, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो के माध्यम से सभी को जानकारी मिल सके। और प्रीमियम मेंबरशिप जरूर ले सकते हैं आप, जिससे आपको हमारे प्रीमियम वीडियोज मिलते रहेंगे। किस स्टॉक में एंट्री करके आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें आपको निवेश नहीं करना चाहिए, पोर्टफोलियो बनाकर कैसे आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्म दे दिया गया है। आप क्लिक करें, अपना फॉर्म फिलअप करें और हमारे स्टॉक मार्केट एजुकेशन में फ्री रजिस्ट्रेशन करके सीखिए स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।